क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, संरत्र बात बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच में आईपीएल 2021 का 40वां मुकाबला हो चुका है शुरू। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में संजू सैमसन की सेना उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए। पहले बल्लेबाजी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत काफी ज्यादा इस बार खराब मिली, जहां एवन लुईस इस बार मात्र 6 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर अब्दुल समद को अपना कैच दे बैठे, तो भारत के युवा बल्लेबाज और राजस्थान रॉयल्स के दूसरे सलामी बल्लेबाज जायसवाल भी 36 रन बनाकर संदीप की गेंद पर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे संजू सैमसन, लेकिन उनसे पहले लैम लिविंगस्टोन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद आया संजू सैमसन का तूफान। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में संजू सैमसन ने एक और बार अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान पर आतंक मचाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में संजू सैमसन ने काफी तूफानी बल्लेबाजी की। दोस्तों, इस मुकाबले में अगर हम संजू सैमसन की पारी की बात करें तो संजू सैमसन ने इस मुकाबले में धाकड़ पारी खेली और अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोका। दोस्तों, पूरी पारी की बात करें संजू सैमसन की, तो इस मुकाबले में 82 रनों की धाकड़ पारी खेली संजू सैमसन ने सिर्फ और सिर्फ 57 गेंदों में, जिसमें से संजू सैमसन ने 3 तूफानी छक्के व 7 तूफानी चौके जड़े थे। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, संजू सैमसन मात्र कुछ ही रनों से अपने शतक से चूक गए, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने अंत तक धाकड़ बल्लेबाजी की और राजस्थान रॉयल्स को एक बेहतरीन टोटल तक पहुंचाया। दोस्तों, हम सभी को बता दें, दोस्तों, इस मुकाबले में संजू सैमसन सिद्धार्थ कौल की गेंद पर 19वें ओवर में आउट हो गए, वो होल्डर को अपनी कैच दे बैठे और सिद्धार्थ कौल ने तूफानी तरीके से विकेट निकाली संजू सैमसन की। इसी पारी के बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, संजू सैमसन की सनाया पारी का साथ दे रहे थे लोमरोर, जो कि काफी अच्छी फॉर्म में थे। दोस्तों, इस मुकाबले में लोमरोर भी 29 रन बनाकर नापाक गए 28 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन इस मुकाबले की सबसे ज्यादा हाईलाइट थी संजू सैमसन की पारी। दोस्तों, इस मुकाबले में संजू सैमसन ने सबसे बड़ा धमाका किया जब उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के ओवर में काफी ज्यादा रन लगाए, जो काबिले तारीफ थे।